नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट सीटेट 2020। तो दोस्तों इसमें एक बड़ी अपडेट आ रही। जी हाँ दोस्तों, लो आ गई बड़ी खबर। शिक्षक भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों, और नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर अपडेट पर बात करेंगे। और दोस्तों फेल छात्र शिक्षक भर्ती से हो जाएंगे बाहर, एक गलती शिक्षक बनने का सपना खत्म। तो दोस्तों क्या है अपडेट, इसको देखते हैं। लेकिन दोस्तों अभी देखिए जो अपडेट आ रही दोस्तों, अभी तक उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, आप टीईटी और सीटेट के लिए मिलेंगे केवल 3 मौके। इस खबर की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट होगी आप सभी के लिए। अगर दोस्तों आपको यूपी टेट और सीटेट में पास होने के सिर्फ 3 मौके दिए जाएंगे, तो अगर आपने दोस्तों 3 मौके में पास नहीं करते हैं, तो मतलब आपको दोस्तों ये होगा कि अब उसके बाद आप यूपी टेट और सीटेट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब दोस्तों साफ होगा कि आपका वही से शिक्षक बनने का सपना खत्म हो जाएगा। देखिए काफी छात्र दोस्तों क्या होता है, अपियरिंग में यूपी टेट और सीटेट के लिए अप्लाई कर देते हैं, फिर बार बार वो करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये लिमिटेड मौका होगा। तो पूरी अपडेट को हम पहले देखते हैं क्या अपडेट है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना अब आसान नहीं होता दिख रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुसार बीएड या डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षुओं को अब शिक्षक के पद के लिए स्वयं को योग्य साबित करने के लिए सिर्फ 3 ही मौके मिलेंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अमर उजाला से बातचीत में बताया, जो प्रशिक्षु टीईटी या सीटेट की परीक्षा में 3 बार भाग ले चुके होंगे, वो चौथी बार टेट या सीटेट की अर्हता परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे, जिसमें टेट 3 बार और सीटेट 2 बार शामिल है। जनरल व ओबीसी छात्रों को 2 बार और एससी और एसटी के छात्रों को 3 बार मौके दिए जाएंगे। इसलिए बेहतर है छात्र उचित तैयारी के साथ परीक्षा में सम्मिलित हो और 3 बार से पहले ही टेट या सीटेट परीक्षा पास कर लें। यह नियम 2020 के जनवरी में दी गई टीईटी की परीक्षा से लागू हो चुका है। अर्थात जो छात्र 2020 में परीक्षा दे चुके हैं परंतु उत्तीर्ण नहीं हुए, उनके पास अब महज 2 मौके और बचे हैं। नोट दोस्तों क्या है, अभी इस खबर की कोई आधिकारिक स्तर पर पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए परेशान ना हो। तो दोस्तों लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा समझिए, ये दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट होने वाली है हर उन छात्रों के लिए दोस्तों, जो काफी बार देखिए यूपी टेट और सीटेट की परीक्षा में फॉर्म तो अप्लाई करते हैं, काफी छात्र दोस्तों पेपर भी छोड़ते हैं। आपको पता होगा दोस्तों हर साल नहीं तो कम से कम 10,000 20,000 या कभी कभी लाखों छात्र पेपर छोड़ देते हैं किसी भी कारणवश। अब दोस्तों ये अपडेट आने के बाद, नई शिक्षा नीति 2020 के बाद दोस्तों, जैसा कि आपने देखा अब सभी के पास लिमिटेड अटेम्प्ट होंगे। जैसे दोस्तों पहले होता है ना कि इस परीक्षा के लिए दोस्तों आप सिर्फ 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि हर बार काफी छात्र पेपर की तैयारी पूरी नहीं होती, लेकिन दोस्तों अप्लाई वो कर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं। तो उनके लिए दोस्तों ये सबसे बड़ी अपडेट होगी, लेकिन अभी तक दोस्तों इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो अभी आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हो जाएगा तो होगा क्या आप समझिए। पहले आपको बताएं कि अभी इसी बार यूपी टेट पेपर 2 की परीक्षा हुई थी, आप लोगों को पता होगा क्या हुआ था। तो दोस्तों 5 लाख से अधिक छात्रों ने पेपर दिया था, आवेदन तो करने वाले दोस्तों छात्रों की संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन दोस्तों जिसमें से पास होने वाले छात्रों की संख्या सिर्फ 60,000 थी। सोचिए दोस्तों अगर आप लोग इतने ज्यादा बच्चे पास और फेल का दोस्तों डिफरेंस आएगा, मतलब 11% बच्चे सिर्फ पास हुए थे इस परीक्षा में और 89% बच्चे क्या हो गए थे, ये फेल हो गए थे। अब दोस्तों इस अपडेट के बाद होगा क्या ना कि जो बच्चे फेल हो जाएंगे, मतलब दोस्तों अगर आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलता, 3 मौके, अगर आप तीनों मौकों में फेल होते हैं, देखिए पहला मौका जो दोस्तों होता है उसमें बच्चे तैयार तो होते नहीं है, आप एयरिंग में सभी लोग अप्लाई कर देते हैं, उतनी तैयारी होती नहीं है। तो पहले मौके में दोस्तों 100 में से अधिकतर दोस्तों 80 बच्चे फेल होते हैं, 20 बच्चे पास कर ले जाते हैं। तो मान लेते दोस्तों कोई ऐसा छात्र जो तीनों मौकों में फेल होता है, मान लेते दोस्तों पहला मौके में आप फेल होते हैं, दूसरे मौके में किसी कारणवश आपको पेपर छोड़ना पड़ जाता है या तब भी फेल होते हैं, तीसरे मौके में भी फेल हो जाते हैं, फिर क्या होगा। फिर दोस्तों इसका मतलब जो अपडेट आ रही उसके बाद आपका शिक्षक बनने का सपना वही खत्म हो जाएगा। कुछ दिन पहले दोस्तों भी आपने अपडेट देखा होगा कि आईएएस बनना आसान होगा, शिक्षक बनना मुश्किल होगा। तो दोस्तों लग रहा उसी को करने वाले बहुत जल्दी शिक्षक भर्ती में। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो सुपर टेट का भी पेपर होता है, ये तो दोस्तों आपका यूपी टेट और सीटेट की बात होगी, क्या एस टेट के पेपर में भी ये नियम लागू किया जाएगा, क्योंकि वो एक कंपटीशन बेस्ड पेपर है दोस्तों। इसमें देखिए जो आपका पेपर होता है यूपी टेट और सीटेट के क्वालिफाइड खाली पेपर होता है, आप 82 और 90 नंबर लाकर इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों सुपर टेट में क्या होता है कि जो बच्चे ज्यादा नंबर लाएंगे, जिनकी मेरिट ज्यादा अच्छी बनेगी, उनको नौकरी मिलती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये नियम सिर्फ यूपी टेट सीटेट तक
लागू होगा कि उसके आगे सुपर टेट में ले जाते हैं। अगर सुपर टेट में ले जाएंगे दोस्तों फिर तो बवाल होना लाजमी है। उसका रीजन ये कि यार कोई ये बच्चा, अब वैकेंसी देखिए कैसे आती है आपको हम बता दें, होगा क्या ना कि अभी दोस्तों जो वैकेंसी आने वाली थी दोस्तों अभी 4,000 वैकेंसी हो रही कि जूनियर हाई स्कूल के लिए आएगी। अब मान लेते हैं दोस्तों इस शिक्षक भर्ती के लिए 5 लाख से अधिक आवेदन हो जाते हैं, अब नौकरी तो सिर्फ 4,000 बच्चों को ही मिल पाएगी, बाकी दोस्तों क्या होगा 4,96,000 छात्रों का, वो तो दोबारा से फिर से पेपर में अटेम्प्ट करेंगे। तो सुपर टेट में दोस्तों ऐसा नहीं हो पाएगा, होगा तो अगर होगा तो सिर्फ यूपी टेट और सी टेट तक हो पाएगा। काफी छात्रों के सवाल हम तक ये आ रहे थे कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है। देखिए पॉसिबल यहाँ पर कुछ भी है, सरकार समय समय पर नियम बदल सकती है, नए नियम बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले बीएड के छात्र कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चों को प्राइमरी लेवल पर उनको शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलता था, लेकिन दोस्तों अब इनको मौका मिलने लगा, तो मतलब समय समय पर सरकार नियम में संशोधन कर सकती है। तो आज की डेट में दोस्तों 2020 में सब कुछ पॉसिबल है। आप ये भी सोचिए कि बीटीसी छात्र को हो सकता है कि आने वाले टाइम में टीजीटी पीजीटी में भी मौका दे दिया जाए, या दोस्तों जिसका नाम अब डीएलएड हो गया है, क्योंकि अगर डीएलएड को उनको बचाना है, अगर दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई छात्र बीएड करता है उनके पास अपॉर्चुनिटी इतनी जाता है कि हर एक शिक्षक भर्ती में उनको मौका दिया जा रहा है, हर जगह मौका, और डीएलएड के छात्रों को जब मौका हर जगह नहीं मिलेगा तो डीएलएड करेगा ही कोई क्यों भला। तो डीएलएड दोस्तों करने का कोई एक उद्देश्य तो होना चाहिए ना कि डीएलएड करके उनको ये फायदा मिलेगा। या तो डीएलएड को पहले दोस्तों देखे क्या था कि आप कक्षा 1 से 5 तक में डीएलएड के लिए खाली था कि हाँ अगर आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आप डीएलएड करिए, लेकिन आज क्या हो गया है कि आप बीएड करके भी इसमें दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, और दोस्तों कितनी ढेर सारी उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है बीएड करने के बाद नौकरी पाने के, लेकिन बीटीसी छात्रों को इतना मौका तो मिलता नहीं डीएलएड के छात्रों को, फिर क्या होगा इनका। तो इनके लिए दोस्तों हो सकता है कुछ नियम बनाया जाए, लेकिन दोस्तों जो ये अपडेट्स आई है ना, तो पहले इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके बता दीजिए कि ऐसे नियम आ सकते हैं। अगर आप लोग यूपी टेट और सी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, फेल होने से अच्छा है दोस्तों पेपर मत दीजिए, अच्छी से पढ़ाई करिए, जब लगे दोस्तों कि आपकी तैयारी पूरी है सिलेबस कंप्लीट है तो आप मेहनत करके पेपर दीजिए। लेकिन अभी तक इस नियम की कोई पुष्टि हुई नहीं है तो अभी आपको डरना नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर ऐसा नियम बन जाता है तो फिर बहुत ही ज्यादा दोस्तों बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो तैयारी दोस्तों लेवल होता है वो तैयारी बहुत ही अलग स्तर पर शुरू हो जाएंगी, क्योंकि फिर कोई छात्र देखिए होगा क्या ना, देखिए इस बार ऐसा नियम बनाने के दोस्तों एक कारण हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको अपडेट करके बताया कि जो छात्र पास होने का जो क्राइटेरिया दोस्तों सिर्फ सोचे 11% छात्र पास होते हैं पेपर 2 की परीक्षा में, 89% छात्र फेल हो जाते हैं। फेल होने का मतलब साफ है कि छात्र या तो तैयारी नहीं कर रहे हैं, या तो दोस्तों होता है ना कि चलो ठीक है फॉर्म भर देते हैं, या पैसे बढ़ गए छात्रों के पास, तो ये बात भी है कि छात्र मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसको दोस्तों देखकर भी ऐसा नियम बनाया जा सकता है कि हाँ यूपी टेट को बच्चे सीरियस लेना शुरू करें, अभी तक होता था ना सीरियस नहीं ले रहे बच्चे, सी टेट में भी देखिए काफी ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। इस बार जो सी टेट का रिजल्ट आया था उसमें लगभग 22% से अधिक छात्र पास हुए थे, ठीक है ना, 22% से प्लस छात्र पास हुए, सोचिए इतने छात्र फेल भी हो गए, मतलब 77 point something या 78% तक दोस्तों आपके छात्र फेल होते हैं, मतलब फेल होने वाले छात्रों की जो तादाद वो बहुत ही ज्यादा है, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो। तो ऐसा नियम दोस्तों बनाने के ये फायदा होगा कि जो छात्र पेपर देने जाते हैं वहां पर भीड़ कम होगी, भीड़ से क्या होता है ना हर बार देखने को मिलता है, जैसे इस बार यूपी टेट में क्या था कि 16 लाख छात्रों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है 16 लाख आवेदन हो गए, मतलब 16 लाख तो बहुत बड़ी तादाद होती है। अगर दोस्तों ऐसा नियम बन जाएगा तो जो आप 16 लाख देख रहे हैं तो 16 लाख से घटकर ये संख्या बहुत ज्यादा दोस्तों बचेगी, तो आपकी 10 लाख पर आ जाएगी। 5-6 लाख दोस्तों ऐसे छात्र होते हैं जो खाली ट्राई करने के लिए होता ना, चलो एक बार पेपर ट्राई करके आते कैसा होता है, तैयारी है नहीं तो भी अप्लाई करते हैं। ये नियम बनने के बाद सबको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। तो ये दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 काफी ज्यादा दोस्तों आपके लिए कठिन बनाने वाली है, और हो सकता है कि हाँ इस बात से भी दोस्तों कोई ऐसा मत सोचे कि नहीं हो सकता, आने वाले टाइम में दोस्तों निगेटिव मार्किंग के लिए भी आपको तैयार रहना है। काफी दोस्तों ऐसी परीक्षाएं हैं जहां पर निगेटिव मार्किंग कर दी गई है, परीक्षा किस तरह अगर इनको कठिन बनाना है तो निगेटिव मार्किंग दोस्तों ये जरूर लगाएंगे। अगर निगेटिव मार्किंग लगती है उसके बाद 82 और 90 नंबर लाना दोस्तों बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। आज की डेट में काफी आसान है दोस्तों 82 और 90 नंबर लाना, क्योंकि दोस्तों होता क्या जो बच्चे आज के दिन 90 नंबर पाते हैं ना वो छात्र लगभग 60 क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, ठीक है ना, 150 में से 150 प्रश्नों को सभी लोग टिक मार के तो आते ही आते हैं, तुक्का भी चल जाता है, लेकिन दोस्तों निगेटिव मार्किंग के बाद आप तुक्का मार नहीं पाएंगे, जितने प्रश्न आएंगे उतने प्रश्न को कर पाएंगे, तो फिर मतलब आपको फ्री का एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आपको यह सब चीजें ध्यान रखनी है, तो इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को बताइए कि आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए,
अगर आपको टीचर बनना है 2020 में, 2021 में, या कभी भी अगर आप बीएड या डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं, तो वो बेकार ना हो, तो उसके लिए आपको सीरियसली पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। अभी तक क्या होता है कि आप लोग पढ़ते हैं, चलो ठीक है इस बार नेटेड क्लियर होगा, अगली बार होगा, अगली बार नहीं तो उसके अगली बार होगा। तो इस बार दोस्तों जो छात्र के फेल होने वाली तादाद बहुत ज्यादा थी, शिक्षा की दोस्तों गुणवत्ता बढ़ाने के लिए होता है ना कि प्राइमरी और माध्यमिक दोस्तों सब जगह दोस्तों अच्छे टीचर्स को लाने के लिए सरकार ऐसे नए नियम बना सकती है समय समय पर। दोस्तों सरकार के पास ये पावर है, नियम में बदलाव कर सकती है। आप ये मत सोचिएगा नहीं ऐसा कुछ हो नहीं सकता, होने के लिए दोस्तों यहाँ कुछ भी हो सकता है, सरकार जो चाहे वो नए नियम बना सकती है, इनके पास अधिकार, इनके पास पावर है, ठीक है ना। और ये पहले से अगर ये आपको बता देंगे दोस्तों तो वो नियम नियम बन भी जाएगा। आप ये मत सोचिएगा जैसे सरकार ने कह दिया नहीं, अब आपको 3 बार ही अब मौका मिलेगा दोस्तों, तो 3 बार का मतलब फिर 3 बार ही होगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर बोलेंगे नहीं 2 बार तो 2 बार, या दोस्तों अभी तक जैसे आपका अनलिमिटेड चल रहा है, अनलिमिटेड तो अनलिमिटेड, ठीक है ना। सरकार के पास ये अधिकार होता है। काफी छात्र सोचते होंगे नहीं सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती, सरकार दोस्तों जो चाहे वो कर सकती है, आपको ये बात समझना है, ठीक है ना। संविधान तक को बदलने का पावर सरकार के पास होता है, तो कुछ भी दोस्तों पॉसिबल है। तो फिलहाल हम आपसे ये कहेंगे कि जो छात्र पढ़ने वाले हैं और अच्छे से पढ़ाई शुरू करिए। फिलहाल दोस्तों अभी ये नियम लागू नहीं हुआ, तो आप डरना डरना नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। जैसे दोस्तों इसकी आधिकारिक पुष्टि होती है उसकी अपडेट हम आपको करके बताएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।